हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फोटो को इस तरह से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ने वाली है। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसकी साइज को यहाँ पे फुल कर देना है। अब दोबारा से दोस्तों आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से अपने पीएनजी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी दोस्तों आपको इसमें लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस वाले फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों टिक के निशान पे क्लिक करना है और इसके साइज को यहाँ पे हल्का सा बढ़ा लेना है। साइज को बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से दोस्तों हम फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। फोटो को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको दोबारा से प्लस वाले आइकन पे जाना है, टैक्स में जाना है। टैक्स में जाने के बाद दोस्तों अब अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे टाइप कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसको नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो इसके फॉन्ट और कलर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगे उसको सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों जो भी कलर आप इसमें करना चाहे वो कलर आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कलर चेंज करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फोटो हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सकें।